आज ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था, लेकिन साथ साथ आज 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी, संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था और जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता, एलडी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूं और उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं।